नमस्कार प्रणाम और ढेर सारा स्वागत करत हम राजू चौरसिया आज परसा जिला के कालिका माई गाँव पलका में आके हमने स्थलगत जब रिपोर्टिंग करता है क्या है कि आज 2079 के चुनाव होके जा रहा बा बैसाख 30 को शुक्रवार के दिन तब देखल जाओ कि आखिर ये चुनाव में दू गो चीज़ बड़ा अहम लौकता कि पीछे जो जितनी लोग वो मेयर साहब चाहे वार्ड अध्यक्ष चाहे उप मेयर तो दू को बात हमने के स्पष्ट तरीका से लगता कि एगो तो विकास पर जोर देवल जाता दूसर का दारू मास पैसा पर जोर देवल जाता तो जे जीतल ओकरा खातिर अगर विकास अहम रख ले बा पैसा वरी कमाई के चक्कर में नहीं लागल तो ओकरा ला विकास के नाम ही काफिर बा मगर साथे जे पैसा खिया के दारू मास की योजना बना के कपड़ा लाता पैसा पर किन खरीद करता जौन वोट की तो कहाँ तक ले जाइज बा यहाँ के हमने कालिका माई गाँव पलका वार्ड नंबर 2 के जानता से पूछम सन कि आज हमने जब कालिका माई गाँव पलका ऑफिस से कॉल के 2 नंबर वार्ड ओरी जब आवत रहनी सन तो यहाँ एगो बहुत सुंदर अस्पताल बनल जैसन हमने के नजर आयल मगर ये अस्पताल अभी तक ले परसा जिला में जब पोखरिया नगर पलका में हमने जानी सन तो वहाँ के भी एगो अस्पताल व्यवस्थित देखे मगर फर्स्ट बेरी हमने वार्ड के अस्पताल वैसन देखते सन तो आखिर एक वजह का रहा बा विश्लेषण करके हमने अपने के गांव में यानी कि वार्ड नंबर 2 में जाके जब वहाँ के आम जनता से पूछल सन तभी पता लगे कि वार्ड के मार्फत बनल बा या गाँव पालिका के बजट के मार्फत बनल बा या केंद्र सरकार के जब वार्ड में बा तो ये बात स्पष्ट तरीका से हमनी के भी समझ में आवता कि कहीं ना कहीं यहाँ के आम जनता होके जे ही लोग से थाह लगे दू व्यक्ति जौन बानी वहाँ खड़ा बानी उ लोग से पूछे के चाहे सन कि ये अस्पताल कौना माध्यम से बनल बा काहे कि यहाँ से पहले से ही खड़ा बानी लोग जी नमस्कार नमस्कार कहाँ घर पड़े कितना दिन पहले अस्पताल बनल बा अस्पताल के बहुत दिन पहले से कारबार लागल बहुत दिन से लागल रख लेकिन ना बनत रख जब से मुखिया जी नाम भैलन कौन मुखिया जी सोनालाल चौरसिया वार्ड अध्यक्ष बाद में मुदा लड़ के जी केस डिग्री करा के लिया के बुझने की 4-5 महीने के अंदर में तैयारी करा देना ये रुकल का रहे अस्पताल की केस लड़े के पड़ा केस लड़े के उठदार काम ना करे भाग गई रहे कोई कुछ होइए ना रहे को तो जब तक हम जब भलन तब केस लड़ रहा मुद्दा जीत के बनवला देख ल चुनाव के समय बा हमनी व्यक्तिगत यहाँ रिपोर्टिंग ऐसे करता नहीं सन कि आखिर कहाँ के विकास कैसन बल बा विगत 5 साल में जो नेता लोग जीतल लोग वास्तविक में विकास कैले बा लोग कि विकास नहीं कैलो कैले यही विषय पर अपने के 2 नंबर वार्ड में विकास हो कि ना जो सोनालाल चौरसिया अपने बताओ तो यहाँ के मुखिया जी हैं वार्ड अध्यक्ष हैं विकास कैले बानी कि केना बा विकास अपने पदर में गाँव में अगर जनता देखता तो खुश हो जाता रोड नाला अस्पताल धर्मशाला कन्या विद्यालय 10+2 सब मंदिर मस्जिद में भी सब वहाँ के बाहर से कोशिश कर लेनी गाँव पालिका के पैसा से जेल होकर वहाँ लगानी लगा के काम बहुत ज्यादा खुल मगर एक आम जनता बानी अपने ये सब अपने जब पूछे से ये हम का फर्ज भी बताओ था कि चुनाव के समय में अपने काम कितनो कर दी मगर जो दारू मासू कपड़ा लगता पर अपने वोट नहीं की तो शायद जीते के संभावना ना रहा सोनालाल चौरसिया ये पाली चुनाव लड़त आ रही कि नहीं लड़त वार्ड अध्यक्ष पद से लड़त आ रही लड़त आ रही क्यों अपने लोग आम जनता पानी लोगन क्या रहा बाकी सोनालाल चौरसिया काम के वजह से जीतन की दारू मासूम हो के किया हो के पड़ता ना काम के वजह से जीतन है काम के वजह से जीतन क्या कि एक बात बाकी 5 साल तक अपने कुछ कर दी वो अहम नहीं के मगर ई अहम रखेला कि चुनाव के समय में अपने पैसा कितना खर्चा करता नहीं तो वैसे आज देखा लो कि हमने के देश में बहुत बड़का रोना ये चीज के बा कि अपने विकास कितना कहनी पैसा जब जनता में नहीं देते काहे ना वो बिगाड़ा ही वाला काम हो गया आज देखा ले तो हमने भी स्थलगत रिपोर्टिंग करते हैं छोट छोट नेपाली के लड़का के हाथ में मोटरसाइकिल दे के झंडा बोका के दारू पिया के बहुत जगह एक्सीडेंट के भी मुद्दा आवता तो ये सब तो गलत बानू यहाँ तो एगो सोनालाल चौरसिया जी के पता नहीं एगो मिसाल कायम कैले बानी कि एगो अस्पताल के उद्घाटन करनी अस्पताल बनवैनी स्कूल बनवैनी जावना से साथे अपन गाँव के भला तो होबे करी मगर ये अस्पताल से केहू निकल के देता स्कूल से केहू पढ़ के आज नेपाल के कोनो सरकारी पद में बैठे था एसपी डीएसपी होता इंस्पेक्टर होता डॉक्टर होता तो बहुत बड़का ही समाज के एगो देन बा वहाँ के हाँ ये तो बहुत खुशी के बात बाटे यहाँ के जा ना 10+2 बनल हम अपना तरफ से सब लड़का सन के हमनी के जनता के लड़का सन के किताब अपना लग से वहाँ के वितरण कैली पंखा लगवा देनी घर में पंखा के लोग तो वायरिंग कहीं करवनी बहुत ज्यादा विकास गाँव में कैल यहाँ के चलिए अपने के धन्यवाद बा चाचा कहाँ घर पड़ी ये भेड़ियारी पड़ी भेड़ियारी पड़ी
अब क्रिया वोट केकरा के देता नहीं लोगन हमनी के तो सब कोई के विचार बस सोनेलाल के जीतवे के सोनेलाल जी के कारण का बा कि सोनेलाल जी के जीता हम लोगन अपने लोगन देखिए हमरा से कहानी नहीं तो सोनेलाल सबसे पहले तो अपन व्यक्तिगत खर्चा करके क्यों धर्मशाला निर्माण करे करे जे में 1.5 कट्ठा जमीन देले बने ए उहा के अपन पर्सनल 1.5 कट्ठा जमीन देले बानी 2 कट्ठा में हो गेल बटे बुझिने कि रास्ता ओकर मिलावल जाता तो 2 कट्ठा हो जाता अच्छा ओकरा बाद में स्कूल प्रति अस्पताल के प्रति गांव के रोड नाला घर बनाव के भी लोग के व्यवस्था करे के शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोड़ बटे पैसा उसे देले बानी कि ना चुनाव में अब ये को बात जान ली हम तो ऐसा आदमी हैं कि ना कोई से पैसा खाई ने और ना कोई के पैसा हम दीने अपना आते हैं ना रह गए बात विकास के मनिए तो अगल बगल के गांव में देखा था निशान भेड़ियारी इतना विकास कौन गांव में नहीं किया तो हालांकि बहुत ज्यादा लंबा चढ़ा गाँव बा फिर भी अपना से अन्य जगह से भी लगे गाँव पालिका के विकास बजट होके चाहे अन्य जगह से प्रादेशिक विकास होके कहीं कहीं से लिया के बहुत ज्यादा विकास के लिए मने लोग यहाँ के बाका कि खाए पिए के चाहिए तो सोनेलाल जी के लगे दारू मास के व्यवस्था नहीं की दारू मास के व्यवस्था नहीं की यानी कि अब क्रिया पाका पाकी फिर सोनेलाल चौरसिया से 2 नंबर वार्ड से जीते एकदम 95% हमने की आशा बाकी जीतबे करी चलिए धन्यवाद आपने के आदरणीय श्रोता मित्र अपने लोगों के ये भी साथ हमने जानकारी करा देते हैं जन की बाकी वीडियो के जो बात रहा बाकी गाँव में ही जाके हमने पूछे सन वास्तविक सोनेलाल चौरसिया 2 नंबर वार्ड खातिर कोयले का बानी काहे कि देखे के सबूत के तौर पर तो अपने के लौका था सामने अस्पताल भी हमने देखा होता है जन की अस्पताल बनैले बानी मगर साथे और भी व्यक्ति कितना यहाँ से जुड़ल बानी वास्तविक बात सोनेलाल चौरसिया के प्रति क्या आवता ये चीज़ अपने के यही वीडियो में हमने गाँव में जाके बतावे वाला बानी सर।